Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार बनने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश को फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला, गुंडा राज माफिया राज को बढ़ावा दिया, जमीनों पे कब्जे करवाए, अब कोई भी विकास का काम भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सका। मैं यह मानता हूं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इस उत्तर प्रदेश में रहने वाले चाहे वो गरीब हों, चाहे किसान हों, चाहे नौजवान हों, उनको फायदा होगा। मोदी के संबोधन में केवल मैदान को नहीं भरा है, मैदान तो भर ही चुका है, मैदान के बाहर की सड़कें भर चुकी हैं, शहर भर चुका है, तो ये अपने आप में परिवर्तन का संकेत है। इस बात का द्योतक है कि जब भी 2 महीने बाद भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बनना सुनिश्चित है। परिवर्तन अच्छे प्रशासन के लिए, शासन के लिए परिवर्तन, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए परिवर्तन, गुंडागर्दी और माफियावाद को समाप्त करने के लिए परिवर्तन, लोगों को रोजगार देने के लिए परिवर्तन, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तन, उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की परिवर्तन, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की, यही सपना आदरणीय मोदी जी का है, यही सपना भारतीय जनता पार्टी का है और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा मुद्दा है, महिलाएं असुरक्षित हैं और इसीलिए महिलाओं ने मन बना लिया कि अब परिवर्तन करना है, क्योंकि गुजरात आप जाके देखिए 12-1 बजे भी महिला जो है अकेली जा सकती है, कोई अपराध नहीं है। उन्होंने गुजरात एक मॉडल पेश किया है, वो इस देश को इसी मॉडल में लाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को भी उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित हों, यहाँ के व्यापारी सुरक्षित हों। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। हाय, दिस इज अफताब शेजवानी, कीप वाचिंग एक्सपोज इंडिया। हाय, दिस इज सूरज पंचोली एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।